तो आज ट्रिप का हमारा पांचवा दिन है, जो कि आखिरी दिन है, और इसमें हम घूम रहे हैं गोल्डन सर्कल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक ऐसी जगह है जिसे अर्थ का स्टीम प्रेशर कुकर भी आप कह सकते हैं। तो इस दिन में हमें और क्या क्या देखने को मिला, आइसलैंड का पूरा सफर हमारा काफी अमेजिंग रहा, मैजिकल आइलैंड है ये। चलिए देखते हैं। तो हमारे एयरबीएनबी से चेकआउट करके हम चल पड़े हैं बस स्टॉप की तरफ। तो आइसलैंड में रोड क्रॉस करने के लिए ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं, आप यहाँ जाकर अब खड़े हो या अपना हाथ वेव करें, उसके बाद जो सिग्नल है ये ग्रीन हो जाता है। आइसलैंड में ऐसे तो ट्रैफिक नहीं है, बट यहाँ लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये कार अभी रेड सिग्नल में क्रॉस होकर गई है। तो चेकआउट के बाद जो हमारा लगेज है, ये हम जो हमारा टूर है उसी कोच में ही रखेंगे। और बस में जाते हुए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा यहाँ आइसलैंड की करेंसी के भी दर्शन कराऊं, जो कि हमने एयरपोर्ट से थोड़ा सा विड्रॉ किया था कि कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी, बट हमें कैश की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ी, एक्सेप्ट जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक दिन यूज़ किए थे। तो जो गोल्डन सर्कल है, ये आइसलैंड के साउथ वेस्ट साइड में आता है। हमारा पहला स्टॉपेज जो था वो था एक नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। तो ऐसा इस नेशनल पार्क में क्या है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में के लिस्ट में रखा है। तो आप ये पीछे के माउंटेंस देख रहे हैं, ये एक्चुअली में नॉर्थ अमेरिका है। तो नदी के उस पार थोड़ी सी मैं और चली जाऊं तो मैं नॉर्थ अमेरिका पहुंच जाऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में आप बिल्कुल भी देरी ना करें और तुरंत बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये दुनिया की सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ आप दो कॉन्टिनेंट्स में एक साथ पैर रख सकते हैं, मतलब दो महाद्वीपों में आप एक साथ हो सकते हैं। तो ये जो जगह है, ये टू टेक्टोनिक प्लेट के बीच में बटी हुई है। तो इसके वेस्ट साइड में आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और इसके ईस्ट साइड में है यूरेशियन, और इसकी वजह से अर्थ में जो इसका क्रैक आया हुआ है वो आसानी से आप देख सकते हैं, और इसी वजह से यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज के साइट में इसे लिस्टेड किया है। तो आप इसके और नीचे उतरेंगे तो आपको मिलेगा एक बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल। तो इस मैजिकल नेशनल पार्क से अब हम निकल चुके हैं और अभी देखना है कि सेकेंड स्टॉप हमें टूर वाला कहाँ पर रोक रहा है। आए हैं गोल्डन सर्कल, जहाँ का फेमस जगह है गाइसर। चलिए देखते हैं आज क्या क्या देखने को मिलता है इस ट्रिप में। तो यहाँ पर जमीन के अंदर से उबलता हुआ पानी निकलता है, तो ऐसी जगह दुनिया में बहुत ही रेयर है देखने के लिए। तो आइसलैंड में कुछ ऐसे गाइसर हैं जो आज भी एक्टिव हैं, और ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं ये अभी टेम्प्ररी है। तो जिस जगह में ज़्यादातर एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं वहाँ पर आप गाइसर देख सकते हैं। तो आखिर ये गाइसर बनता कैसे है? तो ये होता है मैग्मा की वजह से। जब ग्राउंड वाटर 2000 मीटर नीचे हॉट रॉक से मिलता है, गर्म पत्थर से, तो इससे जो पानी है ये बॉयल होना स्टार्ट होता है, और इस वजह से ही ये इस तरीके से स्टीम होकर बाहर धरती से निकलता है। तो आप भी बोलेंगे ना इसे अर्थ का एक प्रेशर कुकर। अच्छा, तो हमें हमारे गाइड ने ये बताया था कि जिस तरफ हवा का डायरेक्शन हो आप उस तरफ ना खड़े हो, क्योंकि ये जो गर्म पानी है उबलता हुआ ये सीधा आपके सर पर गिरेगा। देखा आपने कितना अमेजिंग था। तो आइसलैंड आए और ये जगह ना आए तो आपका आइसलैंड का सफर अधूरा रहेगा, तो आप यहाँ जरूर रहिएगा। तो आप ये सारी एक्टिविटीज ऊपर से भी देख सकते हैं, बट सडनली यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई तो हमें जल्दी जल्दी नीचे जाना पड़ा, और टूर वाले ने जो हमें टाइम दिया हुआ था वो टाइम भी खत्म होने वाला था, तो हम जल्दी जल्दी ये गाइसर देखकर नीचे उतर गए। तो गाइसर के पार्किंग में ही खाने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट है, बट वहाँ लंबी क्यू लगी हुई रहती है।
तो आ गए हम दिन के थर्ड स्टॉप में, जो कि है एक वाटरफॉल। ये काफी बड़ा वाटरफॉल है, तो ये वाटरफॉल आप ऊपर से भी देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे नीचे से भी जाकर देख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा विंडी है तो आप अपने साथ रेनकोट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब आप नीचे जाएंगे तो आप पूरा भीग सकते हैं। तो देखा आपने कितना मस्त वाटरफॉल था, तो अभी हम नीचे से भी जाकर उसको देखने वाले हैं। वैसे मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, तो छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसा वाटरफॉल है, और अभी बारिश का जो सीजन चल रहा है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है एमपी, एमपी में भी एक ऐसा वाटरफॉल है, और मैं लकी हूँ कि ये दोनों वाटरफॉल में गई हूँ इंडिया में। तो अगर आपको पता है कि वो वाटरफॉल्स के नाम क्या है छत्तीसगढ़ और एमपी के, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं नीचे से ये वॉटरफॉल कैसे दिख रहा है। तो हम लोगों को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड चलने की आदत होती है, तो आइसलैंड में आप कहीं पर भी चल रहे हैं तो आप राइट हैंड साइड चलिएगा, जैसे कि यहाँ कार भी राइट हैंड साइड ही चलती है। तो वाटरफॉल देखने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने फोर्थ स्टॉप में, जो कि है हमारे दिन का आखिरी स्टॉप। ये भी है एक वॉल्केनिक क्रेटर। तो कल भी हमने एक क्रेटर देखा था जो कि 3000 साल पुराना था, बट ये क्रेटर जो है ये 6500 साल पुराना है। तो अगर आप टूर से आ रहे हैं तो आपको इसकी एंट्री फीस नहीं देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको इसके 400 ISK पर पर्सन फीस लगेगी। तो ये जो क्रेटर है ये यूनिक इस वजह से है क्योंकि ये कोन शेप का है, और इसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा लेक बना हुआ है। तो टूर वाले ने हमें ऑप्शन दिया था, या तो आप नीचे से जाकर भी देख सकते हैं या ऊपर से इसका एक फुल राउंड ले सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसका एक पूरा जो है एक सर्कल राउंड लेंगे। तो क्रेटर देखने के बाद हम चल पड़े थे सिटी रिक्विक की ओर, जहां हमने अपने टूर वाले को कहा कि वो हमें BSI बस स्टॉप के आसपास कहीं पर उतार दे, क्योंकि यहां से हमें डायरेक्टली जाना था एयरपोर्ट, हमारी फ्लाइट थी। तो हमारे पास कैश था तो हमने इन्हें कैश में पेमेंट किया, तो हम 4000 ISK में पहुंच गए एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट जाकर हमें पता चला कि हमारी जो फ्लाइट है ये 4 hours डिले है। तो मैंने यहाँ पर बैठे बैठे 12 बजे जो मिडनाइट सन है ये भी देख लिया। तो आइसलैंड को अलविदा कहने का बिल्कुल भी हमारा मन नहीं था, और भी बहुत सारी जगह थी जो हमें देखनी थी, बट हमारे पास उतना समय नहीं था। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी ऐसी कौन कौन सी जगह थी जो हम मिस कर गए, और हम अपने नेक्स्ट आइसलैंड के ट्रिप में वो जगह ज़रूर कवर करेंगे। तो जो फाइनली हमारी जो फ्लाइट है ये डिपार्ट हुई मॉर्निंग 2:30, तो हम सामने मून देख रहे थे और लेफ्ट हैंड साइड सनराइज भी हो रहा था। तो ये भी बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस था कि सनसेट हुआ नहीं और सनराइज भी हो गया। तो ऐसा आपको मैजिकल आइलैंड आइसलैंड में ही देखने को मिलेगा। तो कौन सी जगह है जो आप अपने ट्रिप में ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ आइसलैंड के व्लॉग के सारे एपिसोड यहीं पर खत्म होते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और भी अच्छे व्लॉग के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल नेहास किचन एंड ट्रेवल ऑन अ बजट में।